नोएडा, बागपत और आगरा में समाजवादी पार्टी से जुड़े करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। नोएडा में एसीई बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो वहीं बागपत में अजय राठी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनका अजय चौधरी से लेन देन था। वहीं आगरा के जूता व्यापारियों और जूता के एक्सपोर्टर पर आईटी रेड पड़ी है। सभी समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज़ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई, कहाँ इत्र कारोबारी के यहाँ जो मोटरसाइकिल चलता है कहाँ उसके घर में कोई 10 लाख की कल्पना नहीं कर रहा है, कहाँ 280 करोड़ रुपया नकद मिल रहे हैं। तो यह सब प्रदेश की जनता देख रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिनके जिनके यहाँ छापा पड़ा है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये अखिलेश यादव के करीबियों में से एक है। अजय चौधरी के यहाँ छापा पड़ा। अजय राठी ये बागपत के हैं, इनके यहाँ। आगरा के 3 बड़े जूता व्यापारियों के यहाँ रेट पड़ी है। अजय चौधरी पर आईटी की रेट पड़ी है। इसके साथ ही मन्नू अलक के यहां भी आईटी की रेट पड़ी है। मानसी चंद्रा पर भी आईटी की रेट पड़ी है। और विजय आहूजा के घर भी आईटी की रेट पड़ी है। ये सभी अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं। आगरा के जूता व्यापारियों पर आईटी की रेट पड़ी है। आगरा में 6 लोकेशन पर आईटी की छापेमारी हुई है। 3 शू एक्सपोर्टर पर आयकर की छापेमारी पड़ी है। मन्नू अलक, मानसी चंद्रा, विजय आहूजा के यहाँ छापा पड़ा है। आगरा में एक्सपोर्टर मन्नू पर छापेमारी पड़ी है। मानसी चंद्रा और विजय आहूजा पर छापे पड़े हैं। तीनों आगरा के मशहूर जूता व्यापारी हैं। समाजवादी पार्टी का करीबी होने के चलते ये निशाने पर आए। आगरा में आईटी का धुआंधार छापा हुआ है और हम इसमें भरतपुर हाउस में हैं। ये आप देख सकते हैं, कोठी नंबर 40 है। ये विजय आहूजा जो शू एक्सपोर्टर है उनकी कोठी है। 3 शू एक्सपोर्टर के यहाँ छापा हुआ है। अंदर दिखाएंगे कैमरामैन, जरा ये दिखाइए, अंदर बैठे हुए हैं अधिकारी। यहाँ पर रेड चल रही है। मन्नू अलग के छापा हुआ है, मानसी चंद्रा के छापा हुआ है। मन्नू अलग अखिलेश से काफ़ी करीब माने जाते हैं, उनके घर भी आ चुके हैं कल अखिलेश, तो कह सकते हैं इस छापे को उस एंगल से भी देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं जो रेड हुई है ये लगातार जारी है और 3 शू एक्सपोर्टर्स के यहाँ रेड हुई है और अभी भी जारी है। कैमरामैन कीतम के साथ शुभित त्रिवेदी, भारत समाचार, आगरा। आईटी विभाग की आगरा में छापेमारी चल रही है। 3 शू एक्सपोर्टर्स के छापे चले हैं, विजय ओझा, मानसी चंद्रा और मन्नू अलग। हम इस तरह मन्नू अलग की कोठी पर है। ये नोवा शू एक्सपोर्ट्स के मालिक है और अखिलेश के काफी करीबी है। अखिलेश उनके घर भी आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी भीड़ में मुख्य किरदार मन्नू का ही माना जा रहा है और मन्नू के ही तक में दोनों एक्सपोर्टर्स भी हैं। तो कह सकते हैं एक साथ ही रेड हुई है। ये अंदर के हालात देखिए, बाहर पुलिस खड़ी है, किसी के प्रवेश पर रोक है। कोई बाहर से जा नहीं सकता अंदर और ना ही कोई अंदर से बाहर आएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी रेड है। सियासत जोड़ा जा रहा है कि मन्नू वाला अखिलेश से काफी करीबी है, इसलिए एक अड़ो, अड़ो, भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आईटी की रेड लगातार आगरा में जारी है और ये विभाग की गाड़ियां यहां पे मुस्तैद है। कैमरामैन गीतम के साथ सुमित त्रिवेदी, भारत समाचार, आगरा। नोएडा में एस बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद आगरा में भी 3 शू एक्सपोर्टर्स के यहाँ छापा पड़ा है। विजय आहूजा, मानसी चंद्रा और
मन्नू अलग, इन सभी के यहाँ छापा पड़ा है। इस समय हम मानसी चंद्रा के आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर पुलिस तैनात है और अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो अंदर अधिकारी मौजूद हैं उनके लिए खाना लाया गया है और छापेमारी जारी है। सुबह 6 बजे ये टीम यहाँ पर पहुँची थी। करीब 10 लोगों की टीम है जो लगातार कागजातों से उन सबूतों को तलाश रही है जिनके लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दूँ, ये बच्चू बाबू की कोठी कही जाती है। इस बच्चू बाबू का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। ये MLC रहे हैं और इनके जो पिता थे वो सभा विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव के परिवार से इस मानसी चंद्रा के परिवार का पुराना रिश्ता है और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। नोएडा में भी ACE ग्रुप पर सुबह 6 बजे से ही छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 16 सदस्यीय आयकर विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। अजय चौधरी के 7 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इनकी भी गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में होती है। सेक्टर 126 में ACE का दफ्तर है, वहीं पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अजय चौधरी पर 3 महीने पहले भी छापा पड़ा था। ACE ग्रुप पर 3 महीने पहले IT की रेड हुई थी, तब पड़े छापे की जांच आज तक नहीं पूरी हुई है। ACE ग्रुप के अजय चौधरी पर 3 महीने में ये दूसरी कार्रवाई है। 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सपा के करीबी बताए जा रहे अजय चौधरी की जो ऑफिस है वहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम सेक्टर 126 अजय चौधरी के दफ्तर में ही खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तकरीबन 16 अधिकारी है, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, महिला पुलिस यहाँ पर तैनात है और उनकी निगरानी में ये सारी छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। सुबह तकरीबन 7 बजे ये छापेमारी शुरू हुई थी और जो अभी भी दोपहर का वक्त हो चुका है लेकिन जो कार्यवाही है वो लगातार अभी तक जारी है। बताया यही जा रहा है कि संजू जो अजय चौधरी हैं इनके तकरीबन 60 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। इनके जो आवास है दिल्ली में वहां पर छापेमारी की कार्यवाही हो रही है। ग्रेटर नोएडा में कार्यवाही हो रही है, नोएडा में कार्यवाही हो रही है, सेक्टर 126 में। सपा जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव उनके काफी करीबी बताए जाते हैं अजय चौधरी। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से चुनावों के समय IT सक्रिय होती है, ED सक्रिय होती है तो यहां पर भी ये IT रेड पॉलिटिकल रेड कही जा रही है। क्या पता, सारित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। बागपत में अजय राठी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इत्र के साथ अब बिल्डर भी निशाने पर आए हैं। नोएडा से लेकर बागपत और दिल्ली मुंबई में छापे पड़े हैं। अजय चौधरी से जुड़े लोगों पर IT की छापेमारी हो रही है। अजय चौधरी से जिसका भी लेन देन था उसके यहाँ भी छापेमारी हुई है। नोएडा के मशहूर बिल्डर हैं ACE ग्रुप के अजय चौधरी। यहाँ पे कुछ सूचना होगी, ये तो हम लोगों को अभी कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं मिला, अभी शुरू ही हुआ है कार्यवाही, अभी घर की सर